टीवी शोज के शूटिंग के दौरान से कई बार जंगली जानवर के सेट पर आने की खबरें तो खूब सामने आई हैं, जिससे जनता भी खूब हैरान रह जाती है। कई बार टीवी शोज के सेट पर खतरनाक जानवरों की वीडियो और तस्वीरें तक सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि कितने रिस्क में टीवी स्टार्स शूटिंग करते हैं। दरअसल टीवी शोज की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में होती है, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर आता है, जहां तेंदुए और सांप जैसे वाइल्ड जानवर हैं, जिससे कि ज्यादातर टीवी और फिल्म सेट, एक्टर और पूरी यूनिट खतरे में भी पड़ जाती है। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर किन किन टीवी शोज पर आ चुके हैं कैसे कैसे खतरनाक जानवर नीरजा। कुछ वक्त पहले टीवी शो नीरजा के सेट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक तेंदुआ घुस आया। अफरा तफरी मच गई और डर के मारे सेट पर मौजूद लोगों का बुरा हाल हो गया। दरअसल कुछ वक्त पहले नीरजा के शुरुआत के कुछ एपिसोड कोलकाता में शूट किए गए थे, जिसके बाद मुंबई फिल्म सिटी में एक इवेंट रखा गया। शो की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी। इस बीच वहां पर तेंदुआ आ गया और सबकी हालत बेहद खराब हो गई। अब आप भी सोचिए, अगर आपके सामने अचानक एक बड़ा भारी भरकम तेंदुआ आ जाए तो क्या आप नहीं डरेंगे? ठीक वैसे ही सभी की हालत हो गई थी। हालांकि गनीमत रही कि किसी को इस तेंदुए ने नुकसान नहीं पहुंचाया। गुम है किसी के प्यार में। शक्ति अरोड़ा ने सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस और फॉलोअर्स के साथ हाल ही में एक चौंका देने वाला वीडियो शेयर किया था। इस क्लिप में एक्टर ने शो के सेट पर एक अजगर की चौंकाने वाली झलक दिखाई थी, जिसमें दिखा कि सांप पकड़ने वाले गार्ड्स अजगर को पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिसल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए शक्ति ने अजगर के बारे में अपडेट भी दी थी और कैप्शन में बताया था कि इस खूबसूरत सांप को आज हमारे सेट से पकड़ा गया है और सांप पकड़ने वालों ने बताया है कि अजगर ने कम से कम 150 अंडे दिए हैं। नागिन 6 की शूटिंग के दौरान भी शो के सेट पर असली नाग आ गया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। दरअसल सेट पर नागिन 6 की शूटिंग चालू थी, इसी बीच वहां सांप आ गया और फिर लकड़ी से पकड़कर उसे फेंक दिया गया। वेल, तो देखा ना आपने किस तरह से टीवी शोज पर किस किस तरह के जानवर आ जाते हैं। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और पूरी एहतियात के साथ शूटिंग की जाती है।